Good morning, ladies and gentlemen. Today I'm going to tell you a very important thing about artificial intelligence. It is one of the very important topic from the perspective of your lecturate. आप सब देखते होंगे कि lecturate में एक topic तो ऐसा होता ही है जो आपको कई बार मिलता है, वो है artificial intelligence. और ये काफ़ी emerging topic भी है. जैसे कि आप हर दिन alternatively अगर आप newspaper पढ़ते हो तो आपको एक या दूसरे दिन artificial intelligence में कुछ development मिल जाएगा, कोई नई news मिल जाएगी, या फिर काफ़ी कुछ research इस केस में इस फील्ड में किया जा सकता है. तो आज के हम इस लेक्चरेट के टॉपिक को इस वीडियो में बहुत ही प्रिसाइज पॉइंट्स पे सम अप करना चाहूँगी मैं, और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा एक फाउंडेशन मिलेगा कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या बोलना है, कितना बोलना है और कैसे बोलना है. तो लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर लेक्चर. सो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है दैट इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स विच इज़ आर्टिफिशियल एंड इंटेलिजेंस. आप जब भी वर्ड इंटेलिजेंस देखते हो यू कनेक्टेड विथ ह्यूमन बींग, बिकॉज इंटेलिजेंस इज समथिंग विच इज़ गिवन एज अ गिफ्ट बाय द गॉड टू ह्यूमन. बट देन अगेन देर इज़ अनदर वर्ड विच इज़ artificial. So definitely artificial thing is added to tell the audience, to tell the world that this is not something which has in relation with human being, instead this is something which has relation with not being the human, still following the intelligence. तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि what is artificial intelligence. In sum up, basically artificial intelligence is made or promoted with the motive of mimicking the intelligence like a human being. अब आपके मन में आ रहा होगा मैम थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज, तो जो मैंने आपको पहले समझाया दैट वॉज मोर सिंपल देन द थिंग विच आई हैव टोल्ड यू. मिमिकिंग द ह्यूमन बींग इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस को मिमिक करना. बेसिकली देर आर सम वर्क्स विच आर ओनली विच कैन बी ओनली डन बाय ह्यूमन बींग्स, एंड इट इज़ नॉट सपोज टू बी डन बाय एनी अदर person or any other living being in this world. But yes, there are few things which mimic the intelligence and the work of human being, and that is artificial intelligence. Kai log ko artificial intelligence ka naam sunke sirf ek hi cheez dimag mein aati hai, that robotics. No, there are a lot of things which are minute artificial intelligence in our daily life. Basically artificial intelligence is divided in two parts, weak artificial intelligence and strong artificial intelligence. Weak artificial intelligence is something wherein you use your artificial intelligence which is created by some experts, some scientists and some engineers to do some very simple activities. For example, like you use the chat box where you give voice command, you use something as for calculation, you use something like there are things which is done in a very simple manner. जैसे आपका कुछ voice command के बारे में मैंने आपको बता दिया. फ़ोन में ही कई सारे features होते हैं जो कि बहुत simple होते हैं और weak artificial intelligence में आते हैं. Wherein strong artificial intelligence मतलब ये होता है जो कि कोई काफ़ी tough task हो और उसमें आपने artificial intelligence use करके you have mimicked the intelligence of human being. For example, automatic car driving जिसमें आप self driving भी कहते हो, और for examples जो कि medicine की field में बहुत ज़्यादा use हो रहे हैं, तो सर्जरी और यू नो टेकिंग केयर ऑफ द पेशेंट्स और असिस्टिंग द डॉक्टर्स इन टर्म्स ऑफ रोबोट्स और इन रेस्टोरेंट समथिंग लाइक दैट. सो दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. नाउ आई वॉन्ट टू टेल यू जो बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूजेस हैं. सो बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेल्फ कार ड्राइविंग आप सबने सुना है कि अभी टेस्ला ने ये इन्वेंट किया है कि आप ऑटोमेटिक कार्स को बेसिकली यूज़ कर सकते हैं, एंड दोज ऑटोमेटिक सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो होती हैं वो ड्राइवर असिस्टेड नहीं होती हैं, वो अपने आप ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ड्राइव होती हैं. उसके अलावा आप किस चीज़ का एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मैंने आपको चैट बॉक्स का एग्जांपल दिया, जैसे मैंने आपको ओके गूगल जो आप वॉइस कमांड देते हो, सीरी हो गया आपका, है ना, कोरोटा हो गया आपका. तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है. टेक्नोलॉजी में आप सबसे ज़्यादा यूज़ देखोगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, बट एक बहुत प्रिवेलिंग फील्ड है जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होता है, एंड दैट इज़ इन द फील्ड ऑफ हॉस्पिटल्स एंड ट्रीटमेंट.
ये बहुत ही इमर्जिंग टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए. जैसे आप देख रहे होगा कि अभी आपने देखा होगा लोगों ने डॉक्टर्स ने दे हैव क्रिएटेड आर्टिफिशियल हार्ट एंड देन दे प्लांटेड. उसके अलावा लोगों ने डायलिसिस का जो प्रोसेस स्टार्ट किया है. सो इट वर्क्स लाइक योर किडनी एंड इट इज़ क्रिएशन ऑफ समबडीज इंटेलिजेंस. बट येस इट वर्क्स लाइक योर किडनी बट इट इज़ नॉट अ नेचुरल थिंग, इट इज़ आर्टिफिशियल थिंग. तो ये सारी चीज़ें जो हैं मेडिसिन के एरिया में आप देखते हो कि असिस्टेड नर्स भी बनाई जा रही हैं जिससे वो प्रॉपर वे में लोगों को अस्थमा दे सकती हैं, लोगों को इंजेक्ट कर सकती हैं, लोगों को काफ़ी ज़्यादा असिस्ट कर सकती हैं, उनके कोमा और बाकी सारी चीज़ों में उनको काफ़ी हेल्प कर सकती हैं, ब्रेकफास्ट सर्व करती हैं. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक रोबोटिक्स के थ्रू वहाँ पर इम्प्लांट किया गया है. तो ये एक बहुत इमर्जिंग फील्ड हो गई. अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करते हैं. प्रोज में आता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके काम को बहुत हल्का कर देता है एंड हल्का करने का मतलब ये है कि आप काफ़ी कुछ रिलीफ फील करते हो जब आपको ऐसे असिस्टेंस मिलते हैं. दूसरी चीज़ ये है कि सिंस इट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियली डिज़ाइंड तो ये आपको धोखा देने के चांसेस बहुत कम होते हैं. वेर इन जहाँ पे ज़्यादा ब्रेन होता है, जैसे आप देखते हो कि इन योर हाउस देर इज़ समबडी हु इज़ कमिंग फॉर डस्टिंग एंड हो सकता है कि उसका आज मन ना हो डस्टिंग करने का, इट डज़ नॉट कम, इट डज़ नॉट टर्न अप. सो देर इज़ अ यूज़ ऑफ इंटेलिजेंस एंड दैट मेड अ डिसीजन. बट ये जो होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे आर ऑलरेडी कोडेड. So they don't have any choice and they don't have that much of intelligence to take decisions. इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा available होते हैं, इनकी availability काफ़ी ज़्यादा होती है. अब हम बात करते हैं इनके प्रोज पे कॉन्स पे. अभी मैंने आपको प्रोज बताया तो आप ये सारी चीज़ें नोट डाउन करते रहना, आप ऐड अप भी कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर रिसर्च. बट यहाँ पे मैं आपको एक फाउंडेशन दे रही हूँ ओवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. कॉन्स के लिए अगर हम बात करें तो ये काफ़ी कॉस्टली है, इतना चीप नहीं है. दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि इससे काफ़ी ज़्यादा आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ गया है, क्योंकि काफ़ी लोगों को आपने हायर किया था एज अ ह्यूमन रिसोर्स कई कंपनीज़ में आपने देखा होगा, फिर उनका ले ऑफ होता है. क्यों? क्योंकि दे आर नॉट यूजफुल फॉर द कंपनी इन टर्म्स ऑफ डूइंग द लेबर एंड दे आर यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू रिप्लेस देयर ह्यूमन रिसोर्स एज अ लेबर. तो इसलिए इसके कुछ कॉन्स भी हैं. इसीलिए मैं कहती हूँ कि टेक्नोलॉजी इज़ ऑलवेज गुड इफ़ इट इज़ यूज इन अ लिमिटेड पर्पज बट कैन नेवर बी गुड फॉर द पीपल इफ इट इज़ एक्सीडिंग इट्स लिमिट एंड ओवर पावरिंग द ह्यूमन बींग. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज समथिंग विच इज़ क्रिएटेड फॉर अस टू असिस्ट अस बट इट इज़ नॉट समथिंग टू क्रिएट अनदर प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस वॉज माई वीडियो ओवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आई होप आपको ये जो वीडियो है ये काफ़ी अच्छा लगा होगा एंड इससे आपको काफ़ी नॉलेज जनरेट हुई होगी. सो आई विश यू गुड लक एंड टिल द टाइम एवरीबडी, जय हिंद.